हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। ये क्रेन है 220 टन की, टेरेक्स दिमाग है। तो आज मैं बताऊंगा लोगेट को कैसे लोड किया जाता है, ऑल फंक्शन बताऊंगा लोगेट को लोड कैसे किया जाता है। पहले डोर को ओपन करेंगे, डोर को ओपन कर लीजिए, केबिन में आके ऑटो लेवल करना है। ले ऑटो लेवल करना है तो बॉटम पर ऑटो लिखा है, ऑटो लेवल करना है। डिस्प्ले में शो करेगा। ऑटो लेवल हो गया, तभी लो वेट पर चढ़ाना है तो थोड़ा सा आगे से उठाना है, दोनों सस्पेंसर आगे से थोड़ा उठाना है। ये दोनों बॉटम आगे का है सस्पेंसर का, से आगे दबेंगे तो ऑफ होगा, नीचे दबेंगे तो डाउन होगा। सस्पेंसर का है मैनुअली बॉटम है, पीछे का है ये आगे का बॉटम है। तो अभी हमको थोड़ा उठा लेता हूँ, थोड़ा हाइट कर लेता हूँ सस्पेंसर का। सस्पेंसर थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, आगे से ऑफ है, थोड़ा पीछे का भी ऑफ करना है, पीछे के थोड़ा ऑफ हो गया है। ठीक है, थोड़ा हाइट चाहिए, लोवेट पर लोड करना है तो थोड़ा हाइट चाहिए, इसलिए थोड़ा मैं सस्पेंसर हाइट कर लिया हूँ, उठा लिया हूँ। पहले ब्रेक पकड़ना है, ब्रेक पकड़ लिए, इसके बाद 4x4 लगाना है। ये 4x4 का बटन है, ये डिफरेंशियल लॉक है तो डिफरेंशियल लॉक नहीं लगाना है, 4x4 लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे DM में, DM में लगा दिया हूँ। गियर यहाँ पर शो कर रहा है, एक नंबर गियर लग गया है। इसके बाद हैंड ब्रेक छोड़ाना है, फिर लो वेट पे चढ़ाना है। इसके बाद हैंड ब्रेक लगाना है, फिर न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल हो गया। इसके बाद 4x4 छुड़ा देंगे, यहाँ से 4x4 छूट गया। तो मैं आगे के सस्पेंसर डाउन कर देता हूँ, लो वेट अप डाउन वाला है, इसीलिए मैं आगे का सस्पेंसर डाउन कर देता हूँ। आगे का डाउन हो रहा है सस्पेंसर, फुल डाउन करना है आगे का सस्पेंसर, पीछे का नहीं डाउन करना है। लो वेट थोड़ा अप डाउन वाला है लो वेट, इसीलिए तो आगे का सस्पेंसर फुल डाउन कर रहा हूँ। पीछे का सस्पेंसर ऑफ करना है, आगे का फुल डाउन, पीछे का सस्पेंसर ऑफ हो रहा है। तो ये लो वेट जो है अप डाउन वाला है, फुल ऑफ हो गया है पीछे का सस्पेंसर, आगे का फुल डाउन है। तो आगे का सस्पेंसर फुल डाउन है, पीछे के फुल ऑफ है। लो वेट जो है अप डाउन वाला है, बराबर लो वेट जो है बराबर वाला नहीं है, थोड़ा सा बराबर है, इसके बाद थोड़ा ऑफ है, इसके बाद फिर बराबर है। तो इसीलिए अप डाउन वाला है लो वेट है, इसीलिए आगे का सस्पेंसर डाउन किया है फुल, और पीछे का सस्पेंसर ऑफ है। तो आगे का सस्पेंसर लॉक हो गया है, तो मेरी पूरा डाउन हो जाएगा, फिर इसके बाद लॉक हो जाएगा, वो जक लग गया है दोनों साथ में। जी बॉक्स को खोल के इसके बाद जक लगाना है। ये मास्टर बॉटम है, ये आगे के दोनों जक लगेगा, दोनों पीछे का जक लगेगा।
तो अभी जक लगाना है तो ये मास्टर बटन लेना है, इसके बाद आगे का दोनों जक टच करना है, इसके बाद पीछे का दोनों जक टच करना है, ठीक है। तो अभी जक लग गया है, अब इंजन बंद करना है। तब जक लग गया है तो क्या करना है, इंजन बंद करना है। तो पहले एसी बंद कर लेते हैं, एसी बंद हो गया है, इसके बाद इंजन को चाबी से बंद करना है, इंजन बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद चाबी निकाल के डोर को लॉक करना है, तो मैं डोर के लॉक कर देता हूँ, चाबी से लॉक होगा, डोर लॉक हो गया है, चाबी ड्राइवर को दे देना है, ऑपरेटर नहीं है साथ में तो ड्राइवर का लोबे ड्राइवर को चाबी देना है। क्रेन रेडी लोड हो गया है, चैन भी मरा गया, चैन भी टाइट हो गया है फुल, फुल चैन टाइट हो गया है, आगे और पीछे दोनों साइड में चैन लगा है।